आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के विषय में, जहां पर हम देखते हैं कि एक शक्तिशाली स्त्री हैं जो अन्य धर्मों में बहुत बड़ी देवी हैं और वह एक पशु अर्थात जानवर पर बैठी हैं। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में सोने का एक कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से भरा हुआ था और उस पर एक नाम लिखा हुआ था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अर्थात जब हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर एक स्त्री को दिखाया जाता है जो एक जानवर पर बैठी हुई है और सारे चीज़ों के भेद उसमें छुपी हुई है और जिस भेद को हम आगे देख रहे हैं। और क्या आप जानते हैं व्यभिचार की देवी इजाबेल को यही शक्ति देती है। जो इजाबेल है उसके अंदर जितनी भयंकर आत्माएं हैं वो आज भी बहुत से विश्वासियों दासों सेवकों को गिराती है और वही उसको शक्ति देती है और फिर पृथ्वी के लोगों को इसके प्रभाव में व्यभिचार कामुकता वासना से भरने लगते हैं, मानो काम वासना का वायरस छोड़ दिया हो और सब मतवाले होकर एक दूसरे के रिश्ते को भी भूल जा रहे हो। जितने तांत्रिक या सिद्धि करने वाले या अघोरी जो केवल दूसरों के नुकसान और बुराई चाहते हैं उन सब को यह स्त्री बल और ताकत और प्रवीणता देती है और जब लोग उसे बलि चढ़ाते हैं लहू या मांस की या मनुष्य या जानवर की जो उसके लहू को पीते हैं और उसके लहू को बलि करके पीकर चढ़ाते हैं तो वह इससे प्रसन्न होती हैं और इसे प्रसन्न करने के लिए लोग अपने बच्चे को भी बलि करने से पीछे नहीं हटते। और इसलिए इस घटनाओं को प्रभु यीशु मसीह अपने दास यूहन्ना के द्वारा हम सबको बताया और हम सबको यह जानना भी है कि वही स्त्री बहुत से पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली है करके देखा और उसे देखकर यूहन्ना चकित हो गया। अर्थात वह बहुत से पवित्र लोग अर्थात विश्वासियों मसीहियों भाइयों बहनों के मौत का कारण बनेगी और जितने यीशु मसीह को मानते हैं या दूसरे तरीके से चलते हैं उन सब को सजा या मौत या कोई भी तरीके से गिराने का काम यही करेगी और उसके लहू अर्थात उसकी मृत्यु से वह बहुत प्रसन्न होगी, उसको पीकर मानो वह नृत्य या डांस करेगी और मतवाली हो जाएगी। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वह खून पीकर मतवाली हो रही है और यह सब घटना इतना दुखदाई है कि यूहन्ना बेहोश हो रहा था। वह स्त्री बहुत से पानी पर बैठी थी अर्थात मनुष्यों पर। यीशु मसीह के आने से पहले उनके पास मनुष्यों के सर के खोपड़ी के कटोरा था, मगर जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कटोरे को देखा जिसमें तमाम घृणित वस्तु हैं तो पीने से हट रहा था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह बड़े ही व्याकुलता से और बड़े ही वो पूरा तरीके से व्याकुल होकर जब वहाँ इस बातों को रखा कि मैं उस कटोरे को नहीं पीऊँगा, मगर फिर भी उसने कहा कि हे परमेश्वर तेरी ही इच्छा पूरी हो करके। और यह बात प्रभु यीशु जानता था कि इस कटोरे के अशुद्धता को अगर मैं अपने ऊपर ना लूँगा तो मनुष्यों को पिलाएगी, मनुष्यों को उंडेलेगी मनुष्यों पर और इसका दंड मनुष्य पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु उस कटोरे को पी लिया अर्थात वो जो कटोरा था घृणित वस्तुएं व्यभिचार और तमाम कुकर्म और मंत्र और सिद्धि और तंत्र विद्या इन सारे चीज़ों की अशुद्धता उसमें जो थी पाप की उस कटोरे को वह पी लिया और अब वह स्त्री फिर एक कटोरा रखी है अर्थात सोने की। अब यह कटोरा खोपड़ी का बदल कर सोने की हो गई है और इस बार प्रभु अब नहीं पिएगा। हालेलुया।
इस बार प्रभु यीशु मसीह उस कटोरे को नहीं पिएगा और अपने ऊपर नहीं लेगा, वरन सात कटोरा पलटा के लिए रखा हुआ है। जो पलटा मिलेगा यह कटोरा सजा होगा उन लोगों के लिए जो उस स्त्री की पूजा करके बुरा बनकर व्यभिचार कर रहे हैं, बुरे बुरे कामनाएं कर रहे हैं और बुरे इच्छाओं में चल रहे हैं और मसीहों को सताया या घात कर रहे हैं। यह घटना केवल एक देश में नहीं पूरी पृथ्वी पर प्रकोप के रूप में आएगा, क्योंकि वह स्त्री सात पहाड़ पर बैठी है, अर्थात सात महाद्वीपों में जो पूरे पृथ्वी भर में आ जाती है। इसलिए आप सभी सावधान हो जाएं और इस व्यभिचार और अशुद्ध वस्तुओं से दूर ही रहे और जितनी चीजों में इनके आसपास के जो लोग होते हैं उनसे भी उनको बचाने का प्रयत्न करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होती है और शैतान के बंधनों में बंध जाती है करके। इसलिए आप सब ज्यादातर वचनों को पढ़ने की और समझने की और उन पर चलने का बल मांगे। परमेश्वर आपके साथ हैं, वह आपको बहेलियों और व्यभिचारिणियों और आपके परिवार को महामारियों से निश्चय बताएगा, निश्चय उस चीजों को बचाएगा और निश्चय आपको छुड़ाकर एक अच्छे जगह पर लेकर जाएगा। इसलिए आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बने रहे और प्रार्थना करते रहे। ऐसे ही भेद भरे वीडियो के साथ निश्चय आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की। निश्चय चैनल पर बने रहे। आमीन।